दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती जरूर है। राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। और सूरज अकेला होता है, इसलिए वो इतना चमक पाता है। इसलिए जीवन में अकेला रहना सीखो, एक दिन सारी कायनात आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अकेले रहना एक शक्तिशाली विकल्प, सेल्फ डिस्कवरी और व्यक्तिगत विकास का मार्ग हो सकता है। जब आप एकांत में होते हो तो आप अपने जुनून और अपनी शक्तियों को बढ़ा हुआ पाते हो, जबकि दूसरों को आश्चर्य हो सकता है कि आपने अकेले रहने का रास्ता क्यों चुना। यह याद रखें कि आपका अकेलापन आपकी कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जब आप अकेले होते हो तो आपके पास बिना ध्यान भटकाए अपने लक्ष्यों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर होता है। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और स्वयं का सर्वश्रेष्ठ वर्जन बन सकते हैं। लोग शुरू में आपकी चॉइस पे सवाल उठाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आपकी ग्रोथ और सक्सेस को देखेंगे, वे आपके साथ और मार्गदर्शन के लिए तरसेंगे। इसलिए अकेलेपन को एक अवसर के रूप में स्वीकार करो, बोझ के रूप में नहीं। इस समय का उपयोग आप अपने स्किल डेवलपमेंट में, अपने ज्ञान को गहरा करने में और अपनी महत्वाकांक्षाओं को निरंतर प्राप्त करने में करें। अपनी सफलता और आत्मविश्वास को वह चुंबक बनने दें जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे, आवश्यकता के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपकी यात्रा आपकी पसंद और आपकी दृढ़ता ही है जो दूसरों को प्रेरित करेगी। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अकेले रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका अकेलापन आपके एक उज्ज्वल और अधिक सिक्योर फ्यूचर का रास्ता बनाएगा। और जिन लोगों ने आपका बुरा समय में साथ छोड़ दिया, वो लोग आपकी सफलता को देख के खून के आंसू रोएंगे और पूरी दुनिया आपके साथ के लिए तरसेगी।